पैशन एक ऐसा वर्ड जिसको तुम शायद अपने आसपास हर दिन सुनते होगे, या फिर इंटरनेट पर तो तुम डेफिनेटली हर दिन सुनते होगे। हर बंदा, हर फेमस सक्सेसफुल पर्सन तुम्हें ये कह रहा है कि अपने पैशन को खोजो और तुम्हारा पैशन तुम्हें सक्सेसफुल बना सकता है, विच इज 100% ट्रू। बट द रियल क्वेश्चन इज कि डू यू रियली नो कि पैशन होता क्या है? बिकॉज पैशन को फाइंड करना इज द सेकंड स्टेप। पहला स्टेप तो ये होता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि पैशन क्या होता है। जब तुम अपने पैशन को खोज लेते हो तो वो मेंटल स्टेट क्या होती है, पैशन दिखता कैसा है, पैशन फील कैसा होता है। और आधे लोगों की दिक्कत ये है कि वो सीधा सेकंड स्टेप पे कूदते हैं कि मुझे अपना पैशन ढूंढना है, बट दे डोंट रियली नो कि पैशन क्या होता है। और आज मैं इस वीडियो में तुमसे उसके बारे में ही बात करने वाला हूँ, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, पैशन क्या है। तो क्या है ना, देखो जब मैं कॉलेज में, मतलब जब मेरा ऑफलाइन कॉलेज था, तो वहाँ पे ना कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स होते हैं और हर क्लब का अपना अपना फील्ड होता है। कोई ड्रामा की क्लब है, कोई डिबेट की क्लब है, कोई सिंगिंग की क्लब है, कोई सेल्स की क्लब है, कोई फाइनेंस की क्लब है। और तुम जब भी ऐसे किसी क्लब में जाओगे ना, या फिर तुम ऐसे किसी ग्रुप में जाओगे, या फिर तुम ऐसे किसी कम्युनिटी में जाओगे, तो मान लो कि वो कम्युनिटी सेल्स की है, तुम वहाँ पे जाओगे और तुम देखोगे कि जो बंदे होंगे वो 24/7 सेल्स की बात करते होंगे, और वो कभी उस चीज़ से बोर नहीं होते। वो 24/7 सेल्स की बात करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ज़िंदगी में पहाड़ टूट जाए, कुछ भी हो जाए, सेल्स उनके लिए एक प्राइमरी चीज़ होगी। वो कुछ भी देखेंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी करेंगे, वो वहाँ से सेल्स की बातें खोजेंगे, उससे सेल्स की बातें एक्सट्रैक्ट करेंगे। और एग्जैक्टली मैं ऐसे एक कंसल्टिंग क्लब में था और मैं एक डिबेट के क्लब में था। डिबेट के क्लब में मैं था तो मैं देखता था ना, लोग साला हर दिन डिबेट, हर सेकंड डिबेट, हर सेकंड डिबेट, और मेरा मन लगता ही नहीं था। और मैं सोचता था कि लोग कैसे करते हैं यार, कि पूरे दिन एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फिर मैं एक कंसल्टिंग क्लब में था, वहाँ पर भी मैं देखता था कि लोग 24/7 सिर्फ कंसल्टिंग की बातें कर रहे हैं, ये कंसल्टिंग, वो कंसल्टिंग, ऐसे वैसे, दिस डैट, और मेरा मन कभी वहाँ पर लगता ही नहीं था। आई यूज टू थिंक कि यार ये है क्या, मतलब ये पकते नहीं क्या, मैं तो एक घंटे से ज़्यादा, आधे घंटे से ज़्यादा इसके बारे में सोच ही नहीं सकता। एंड देन आई नेवर रियलाइज कि वो चीज़ों के लिए वो पैशनेट थे। और जब लोग कहते हैं ना कि जब तुम जिस चीज़ के लिए पैशनेट होते हो तो तुम 24/7 उस चीज़ के बारे में सोच सकते हो, बात कर सकते हो। मुझे ये चीज़ें बकवास लगती थी, बट देन इवेंचुअली जब लॉकडाउन हुआ तो आई रियलाइज समथिंग कि यार देर इज समथिंग जिसके बारे में मैं 24/7 आई कैन टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, आई कैन टॉक अबाउट मार्केटिंग, स्पेसिफिकली आई कैन टॉक अबाउट इंटरनेट, आई कैन टॉक अबाउट सोशल मीडिया, आई कैन टॉक अबाउट यूट्यूब 24/7। और फिर जब मेरे को रियलाइज होने लगा कि मैं, मेरे आसपास जो भी एक दो दोस्त हैं, मैं उनसे अगर बात करता हूँ कभी यूट्यूब के बारे में, तो मैं उनसे घंटों बात कर रहा हूँ इसके बारे में, उसके बारे में, ये हो गया, वो हो गया, एंड देन आई एम नेवर गेटिंग बोर्ड। या फिर कोई ऐसा बंदा जिसका YouTube वगैरह में इंटरेस्ट हो या ना हो, मैं जब भी उससे बात करता हूँ मेरी बातें घूम फिर के जाके उस पॉइंट पे ही रुक जाती है, या फिर मेरी गाड़ी इंटरनेट, YouTube, सोशल मीडिया, कल्चर, दिस डैट पे ही जाके रुक जाती है। देन एक दिन मुझे हिट हुआ कि यार शायद आज मैं जो YouTube के बारे में हर घंटे हर सेकंड बात कर सकता हूँ बिना रुके, ये एग्जैक्टली चीज़ लोग उन कम्युनिटीज़ में करते थे जो हर दिन डिबेट के बारे में बात करते थे, हर दिन सेल्स के बारे में बात करते थे। तो शायद ये मेरा पैशन है। अब हाँ या ना, आई डोंट नो, बट मोस्ट सर्टेनली यस। तो आई रियलाइज्ड वन थिंग, पैशन लुक्स लाइक एक वैसी चीज़, एक वैसा टॉपिक, एक वैसा डोमेन जिसके बारे में यू कैन टॉक अबाउट एवरी टाइम, यू कैन टॉक अबाउट 24/7, एंड देन तुम नहीं थकोगे। तुम चाहे पूरे दिन टायर्ड हो, लेकिन जब उस चीज़ की बात आती है तो तुम्हारे बॉडी में एकदम से एक्साइटमेंट आती है, तुम बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाते हो। पैशन इज लाइक लस्ट, व्हेन यू हैव लस्ट यू गेट एक्साइटेड। तुम चाहे कितने भी थके हुए हो, इफ यू वॉच पॉर्न यू गेट एक्साइटेड बिकॉज दैट फीलिंग स्टार्ट्स कमिंग टू यू, राइट। एंड देन वेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, इट्स लाइक लस्ट। जब भी किसी टॉपिक के ये बारे में बात होगी तो यू कम अप एंड देन वो एनर्जी स्टार्ट हो जाती है। तो इट्स पैशन, डैट इज वॉट पैशन इज। सो द नेक्स्ट टाइम समवन एक्चुअली आस्क्स यू कि भाई अपना पैशन खोजो, तो जस्ट डू दिस थिंग, कि पहले समझो कि पैशन होता क्या है, एंड नाउ जस्ट गो
एंड सी कि बचपन से लेकर आज तक ऐसी कौन सी चीज़ें जिसके बारे में तुम 24 घंटे सातों दिन सोचते थे एंड स्टिल तुम थकते नहीं थे। डैट इज ट्रूली योर पैशन, डैट इज वॉट यू शुड फोकस ऑन। आई नो इट्स वेरी टफ कि कई बार तो तुम्हारा पैशन तुम्हारे प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट इट्स द फर्स्ट स्टेप टू गो बियॉन्ड योर बाउंड्रीज। दैट इज पैशन एंड दैट इज हाउ आई फाइंड पैशन। सो या गाइस, दैट वाज़ अ वीडियो ऑन व्हाट पैशन ट्रूली इज। मतलब डू टेल मी कि व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ पैशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी बाकी वीडियोस देख लेना। आई पोस्ट एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड